सन 2020 के मार्च महीने से राज्य में कोरोना प्रादुर्भाव होने के कारण नागपुर जिले के सभी स्कूल बंद है। इस लॉकडाउन काल में शहर के कई स्कूल में ऑनलाइन अध्यापन किया गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इस ऑनलाइन अध्यापन में कई बाधाएं आई है। मोबाइल नेटवर्क का ना होना, गरीब छात्राओं के पास एंड्रॉइड मोबाइल का ना होना, जिस कारण गाँव कस्बे के स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं का शैक्षणिक नुकसान हुआ है। अभी 28 जून को जिले के सभी स्कूल शुरू होने जा रही है, लेकिन छात्राओं को स्कूल में उपस्थिति पर अभी भी प्रतिबंध कायम है, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्र के छात्र अपने अध्यापक को सवाल पूछ रहे हैं, सर हम स्कूल कब आए। अच्छा, ग्रामीण भाग के विद्यार्थी का 28 तारीख पासून शाळा सुरू होत आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून मागच्या वर्षीचा अनुभव आपण विचारात घेता, ऑनलाइन शिक्षण इतकं प्रभावी ठरलेलं नाही, कारण ग्रामीण भागामध्ये नेटवर्क प्रॉब्लेम असतो, पालकांकडे अँड्रॉईड मोबाईल नसतो, रिचार्ज करण्यासाठी पैसे नसतात, गरीब पालक आहेत, आणि त्या दृष्टिकोनातून मागच्या वर्षीचा विचार करता यावर्षीसुद्धा तशाच प्रकारचा अनुभव आपल्याला येईल आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत आपण याचा जो मेसेज आहे शिकवण्याचा तो पोहोचू शकणार नाही। माझे पूर्ण नाव परिसना सुरेशजी नट्टे, मी स्वरद्दा विद्या धान्यामध्ये शिकते। माझ्या वडिलाकडे शेतमजुरी करते, त्यामुळे माझ्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही नसल्यामुळे माझे शिक्षण पूर्ण झाले नाही। ते यापूर्वी शासनाने लवकरात लवकर शाळा सुरू करावी। बीसीएन न्यूज के लिए मोता से संजय केटे की रिपोर्ट।